जलाभिषेक मन में पवित्रता का भाव लेकर बैठे आप सब हमारे समाज मेरा कोटि कोटि वंदन है। पानी कोटि कोटि वंदन है। और इस पानी को हम गंदा करें हमारे न्याय की बात का मतलब है देवताओं का सागर। हमारी बाइबल में बताती है मतलब है देवता पानी के बारे में देवताओं का सागर। हम बपतिस्मा लेते हैं और जरूरी है बीच में महादेव समाज की तो महादेव का सागर बहुत बुरी बात है हमारे लिए। आजू बाजू हनुमान के मंदिर है जो हनुमान का सागर है। आजू बाजू झूलेलाल का मंदिर है वो झूलेलाल का उसके लिए हमारे सागर है। वो काम में वो आगे बढ़ेगा प्रेम से आगे बढ़ते हैं। आप बोल सकते हैं तो बोलना झूलेलाल हायोलाल हायोलाल हायोलाल। मेरे प्यारे सज्जनों अभी जो हालात हम सब लोग कौन है इसके लिए जिम्मेदार और क्या करना है। 75% अंदर पानी रखे हुए हैं सुना है और जाना है उसकी बात के लिए से स्थूल शरीर है आजू बाजू के लोग। तो इस पानी को अगर हम अपवित्र बनाएं जो पानी हम घर में नहीं रखते नहीं चल सकता है नहीं बाथरूम में नहीं रखते हैं पानी जो पवित्र तालाब है उसमें छोड़ देते हैं। इसीलिए आज बुरी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। इन सज्जनों ने और ये बात समाज के लिए आयोजकों ने जोखम है तो हमारे किनका नाम लेकर किनका नाम लो ये काम करना बंद करें। और हमारे वरुणा जो संस्करण कहलाती है इतनी मेहनत के बाद 50 साल उसे ये आयोजन करने जा रहे हैं तो उसमें और गंगा भैया को यहाँ लाए नर्मदा भैया को यहाँ लाए साबरमती भैया को यहाँ लाए महासागर भैया को यहाँ लाए और सब श्रमणों को यहाँ लाए। और उन्होंने सूर्यागर की पवित्रता का आज शुभारंभ हनुमान जयंती के पवित्र दिन पर और हनुमान जयंती के पवित्र दिन पर काम करना चाहिए। जयंती इस कॉर्पोरेशन को भी हनुमान सहायता करे और आशीर्वाद देगा बात के लिए आगे आए और जो काम इस टीम ने लिया है उसके लिए बड़ोड़ा की अच्छाई में आगे बढ़े बड़ौदा नगर। थैंक यू।